आज की हमारी इस वाली वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ अपना हाउस टूर। अभी आपको अंदर वाले रूम दिखाती है। गाड़ी की डिक्की नहीं कैसे खुलती है, वैसे खुलता है, देखना। ये देखो, अगर आपको इस वाली वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो कमेंट कर देना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वाली वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ अपना हाउस टूर। गाइस, अभी मैं आपको घर दिखाता हूँ, इनमें से आप लोग बताना कि मेरा कौन सा घर है। आपको क्या लगता है, मेरा जे वाला घर है? जी नहीं, इनमें से मेरा कोई भी घर नहीं है भाई, मेरा घर तो जे है। ओके गाइस, अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पे। तो भी मैं आप सभी को अपने घर का टूर करवाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जे वाला रूम आता है, तो अभी मैं आपको जे वाला रूम दिखाता हूँ। सबसे पहले पर्दों को पीछे करते हैं, नहीं तो देखो ऐसे अंधेरा सा है इस वाले रूम में। उलझा सिम सिम, अब देखो रोशनी हो गई इस वाले रूम में। तो जे वाला रूम कुछ ऐसा है, जहाँ पे मम्मी जी ने चेयरें रखी है, टप रखा है, और साथ में क्या है, तसला। वहाँ पे एक सिलाई करने वाली मशीन है, जहाँ पे ये कट्टा है, और जहाँ पे मम्मी जी ने जूते चप्पले वगैरह रखी है, ये सब है इस वाले रूम में। ये वाला तो बाहर वाला रूम था, अभी आपको अंदर वाले रूम दिखाती है। गाइस, सबसे पहले हमारा ये ड्राइंग रूम आता है, तो जहाँ पे भी थोड़ा अंधेरा है, यहाँ पे हमें पर्दे पीछे करने पड़ेंगे। इस वाले रूम में क्या है, जहाँ पे है एक बेड, और साथ में एक जहाँ पे चेयर है, और क्या है वहाँ पे स्पीकर रखी है, और कपड़ों को प्रेस करने के लिए प्रेस रखी है। एक जहाँ पे हमारा देसी बोर्ड भी है गाइस, चेक करो। ये भैया ने बनाया है, इस पे थोड़ा सा हमने खर्चे किए। एक तो बाहर से ये लिया है, और अंदर से हमने कुछ भी नहीं लिया है। ये जो डिब्बे है ना, इसमें मम्मी जी की चूड़ियां थी, भैया ने देखो इसका बोर्ड बना दिया। तो जहाँ पे दो शॉकटे लगी है, इस वाली लाइट के साथ दो बल्बों की कनेक्शन है, एक इस वाले बल्ब का कनेक्शन है, और एक इस वाले रूम को जाता है। एक ही शॉक्ट से देखो दो दो बल्ब जल रही है, अच्छा है। बाकी मैंने आपको जे वाला रूम भी दिखा दिया, अभी चलते हैं नेक्स्ट रूम में। तो हमारा जे वाला, ओ ये क्या कर दिया, मैं पर्दे को पीछे कर रहा था, ऊपर से जे ही छूट गया। चलो इसको फिर से लगा देते हैं, तार भी है इसके साथ यार, मैंने तो ऐसे ही टांग दिया यहाँ पे। तो फिलहाल गाइस, ये है हमारा तीसरा रूम। इस वाले रूम में हमने एक तो चारपाई रखी है, और यहाँ पे बिस्तरे वगैरह है, वहाँ पे मम्मी जी ने कपड़े टांग किए हैं, बस ये सब भी है इस वाले रूम में। गाइस, हमारा ये वाला घर ना अभी नया है, इस वाले घर को बनाए हुए सिर्फ 1-1.5 साल हुआ है, तो इसलिए इस वाले घर में उतनी सारी चीजें नहीं है जितनी घर में होती है। वो सब चीजें ना हमारे कच्चे वाले घर पे है। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको अपने कच्चे वाले घर का टूर नहीं करवाऊंगा। अगर आपको हमारे कच्चे वाले घर का टूर चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट में सिर्फ ये लिख देना, पार्ट टू, ठीक है। तो जरूर से आपको पार्ट टू देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी मैं आपको 1-2-3 चौथे कमरे का टूर करवाता हूँ, ठीक है। तो चौथे कमरे में मम्मी जी ने जहाँ पे बोरू और साथ में ये तरपाल चढ़ाई वगैरह रखी है, ऐसे ऊपर टांग के, अच्छा है। नीचे देखो कितनी सारी स्पेस है, अगर ये सारा का सारा सामान नीचे रखते तो इतने तक तो हम जा ही नहीं सकते थे, है ना। अच्छा की है मम्मी जी ने जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें टांग दी है, मम्मी जी ने जहाँ पे ये सब सामान रखा है, और ये क्या है, ये अदरक है, क्या है ये, अदरक ही है। जहाँ पे एक पंखा है, इसकी अभी नहीं जरूरत पड़ेगी, पंखे की जरूरत पड़ेगी अगले महीने जब गर्मियों का टाइम आएगा। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने पांचवें रूम में। पांचवें रूम में क्या है ना, सबसे पहले जहाँ पे मैंने अपनी यूनिफॉर्म टांगी है, और साथ में जहाँ पे ये पता नहीं क्या है लिफाफे, तो जहाँ पे हमने ये पाइपें टांगी है, जहाँ पे देखो कितनी सारी स्पेस बच गई। अगर इसको ऊपर नहीं टांगते तो ये जितनी भी आपको स्पेस दिखाई दे रही है जहाँ पे, ये सब होना था, अच्छा है। जहाँ पे इतनी सी स्पेस बच गई, नीचे कुछ भी नहीं है, सारा सारा सामान ऊपर रख दिया है। तो अभी मैं आपको अपने बेडरूम में लेके जा रहा हूँ। तो ये है मेरा बेडरूम, ये देखो ये कुछ बेडरूम है मेरा, जहाँ पे मैं सोता हूँ। मम्मी जी वहाँ पे सामने सोती है, वहाँ पे सोती है मम्मी जी, मैं जहाँ पे सोता हूँ, और भैया कच्चे वाले घर पे सोते हैं। इस वाले रूम में मैंने अपना बैग रखा है, और साथ में ये हेडफोन,
और क्या रखे है, और जहाँ पे मेरे बिस्तरे है वहां पे मैंने एक अपना चार्जर रखा है, और जहाँ पे देखो एक और हमारा देसी बोर्ड आ गया। इस वाले बोर्ड का कनेक्शन मैंने इस वाले बल्ब के साथ रखा है, जहाँ पे मैं सोता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, सब कुछ जिम पे करता हूँ। गाइस ये देखो मैं अभी अपने इस वाले फोन में वीडियो शूट कर रहा हूँ। आईफोन में मैंने आज वीडियो शूट क्यों नहीं की ना, क्योंकि गाइस आज भैया भी ब्लॉग बना रही है, तो फिर मैंने रहने दिया। आज मैं अपने रियलमी 7 फोन से ही शूट कर रहा हूँ। तो अभी इसको खोलते हैं, इसमें क्या रखे है मम्मी जी ने, कपड़े है, जहाँ पे भी कपड़े हैं नीचे भी कपड़े हैं, और जहाँ पे सेंट रखे हैं 3 सेंट। मेरा सबसे फेवरेट है जे वाला सेंट यार, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। खत्म होने वाला है जे वाला, इसमें कितना है, जे बहुत ज़्यादा सेंट है, जे भी बहुत है, पर मेरा फेवरेट सेंट खत्म होने वाला है। चलो इसको बंद करते हैं। इसमें क्या रखे है, इसमें भी कपड़े हैं। गाइस जे मुझे बहुत मस्त लगता है यार, ऐसे गाड़ी की डिक्की नहीं कैसे खुलती है, वैसे खुलता है, देखना ये देखो। इसको बाहर को खींचना होता है, खुद बेहुद ऊपर चले जाता है। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें भी कपड़े ही है। चल नीचे, मैंने अपनी अलमीरा की डिक्की बंद कर दी। इसको खोलते हैं, जे बनते हैं, इसको रहने देते हैं। जहाँ पे क्या है, जहाँ पे जे रखे है, यहाँ पे मेरी किताबें हैं, और इस वाली साइड मैंने ये सब रखे हैं। जहाँ पे देखो गाइस मैंने कैसी हालत करके रखी है भाई, मैंने इधर जे वाला संदूर गिरा दिया है, मैंने जानबूझ के जे वाला संदूर गिराया है जहाँ पे, क्योंकि गाइस जब मैं स्कूल को जाता हूँ तो मैं इस वाले संदूर का तिलक लगा के जाता हूँ। फिलहाल अभी मेरे पास इतना सा संदूर बचे है, चलो कोई बात नहीं। गाइस जिस दिन मैं इस वाले संदूर का तिलक लगा के जाता हूँ ना स्कूल को जा कहीं पे भी, तो मेरा वो वाला दिन बहुत अच्छे जाता है यार, बजरंग बली जी का बहुत ज्यादा साथ है यार। दीपावली के मैंने पटाखे बचा के रखे हैं, चलो जब हमें मंकी परेशान करेंगे तो तब जे वाले पटाखे काम आ जाएंगे। तो फाइनली गाइस अभी मैंने आप सभी को अपने नए वाले घर का होम टूर करवा दिया है। आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको मेरे नए घर का टूर कैसा लगा। अगर आपको इस वाली वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना। अभी मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड नहीं कर रहा हूँ, अभी और भी ब्लॉग शूट करूंगा यार। ये तो थोड़ा सा ब्लॉग शूट हुआ ना, थोड़ा बहुत अभी और ब्लॉग शूट कर लेते हैं, उसके बाद जी वाला ब्लॉग एड कर देंगे। पटाखे फोड़ती है, मैंने आपको पटाखे बोला था ना, इसमें मैंने रखी है थोड़े बहुत। चलो फोड़ती है भाई पटाखे, कितने फोड़े, 2-3 फोड़ते हैं, एक बारी में फोड़ दूंगा मैं। जितने भी गाइस जे बाहर आए हैं ना पटाखे, जे सारे के सारे मैं फोड़ूंगा अभी, बाकी सारे के सारे पटाखे इसके बीच में रख देते हैं। अभी इन वाले पटाखों को लेके चलते हैं और फोड़ते हैं, इनको एक साथ में फोड़ूंगा जी। कितने हैं, 3 और 2 5। चलते हैं बाहर और फोड़ते हैं अभी पटाखों को। कर दिया मैंने दरवाजा बंद, माचिस तो मैंने ली नहीं, पहले दरवाजा बंद कर रहा था मैं। चलो अभी मैंने माचिस ले ली है, अभी फोड़ते हैं पटाखे। फोन को मैं जहाँ कहीं पे रखूंगा और आपको भी दिखाई देगा सब कुछ, जहाँ पे रख देती है फोन को। तो फाइनली अभी मैंने अपना फोन रख दिया है, तो अभी पटाखों को पहले एक साथ में जोड़ती है, और ये सारे पटाखे एक बारी में उड़ जाएंगे है ना, मजा भी आएगा देखने को। तो अभी मैंने सारे पटाखे जोड़ लिए है, अभी फोड़ती है भाई। अभी मैं आग लगाने के लिए जा रहा हूँ बाबू, अभी मैं पटाखों को ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई पटाखा बच गया होगा तो उसको मैं फोड़ लूँगा दोबारा से। कोई भी नहीं बचा यार, सारे फूट गए भाई। पटाखे फोड़ के मज़ा आ गया, आज मैंने बड़े दिनों के बाद पटाखे फोड़े, दीपावली के बाद सीधा आज पटाखे फोड़े मैंने, मज़ा आ गया। गाइस आज के हमारे इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को आज का हमारा जे वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और साथ में गाइस आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आप सभी को इस वाली वीडियो का पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करो, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो जल्दी ही इस वाली वीडियो का पार्ट 2 आ जाएगा। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय।